Certain wrongful appointments have been protected, and it's all dictatorship that is happening over here just to protect India. हमें हमारे ही इंस्टीट्यूट में अंदर जाने से रोका जा रहा है और क्यों गलत अपॉइंटमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. दिस इज नथिंग बट डिक्टेटरशिप. वी आर डिटेन्ड बट वाई. आई मीन आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर पीसफुली एंड जस्ट शाउटिंग स्लोगन. मैन हैंडल बीटन अप पुश्ड अराउंड बट वी हैव डन नथिंग एट ऑल. वी आर स्टैंडिंग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे. हमें मारा है और अभी ले जा रहे हैं पुलिस थाने. हमें अपने इंस्टीट्यूट में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है. द प्रोटेस्ट इज ऑन एंड वी विल नेवर बैक डाउन. वी डोंट अग्री. अब तो आपको शर्म आनी चाहिए. जिस इंस्टीट्यूट के आप चेयरमैन बन रहे हैं उनको लोग मार रहे हैं, पुलिस मार रही है आपके आने के दिन. देखिए क्या आपको आना चाहिए. जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, मोदी सरकार, लगातार उन तमाम इंस्टीट्यूशंस पे आरएसएस बीजेपी की विचारधारा वाले लोग, केवल इसलिए क्योंकि वो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, काबिलियत है या नहीं है उस पे गौर करे बिना थोप रहे इन ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे जिसका विरोध हो रहा है. पहले भी एफटीआईआई में हमने देखा करीब 139 दिन तक वहां छात्रों ने संघर्ष किया और विरोध किया, उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं मान रही. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह संस्थाओं को केवल विचारधारा से चलाने का प्रयास निंदनीय है. एफटीआईआई का ये विवाद कई लंबे अरसे से चल रहा है और बीच में कुछ दिन तक खामोशी थी, लेकिन अभी इसको फिर रिवाइव किया गया है इसलिए कि वो चौहान से लोग नाराज हैं. उनका ये मानना है कि वो व्यक्ति उस जगह को सूट नहीं करता. बॉलीवुड के लोग और स्टूडेंट्स और कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की थी, मगर सरकार को इसका बिल्कुल ही मतलब दखल सरकार ने लिया नहीं. सरकार इस शख्स को नहीं हटाना चाहती थी और बजिद रही सरकार. अब ये दोबारा फिर तूफान खड़ा हुआ है. मुझे लगता है एफटीआईआई के इंटरेस्ट में और हमारे नौजवानों के इंटरेस्ट में, जिन्होंने कल को एक आर्टिस्ट बनकर बाहर आना है, सरकार ने गंभीरता के साथ इसकी दखल लेनी चाहिए और मालूम करना चाहिए कि क्यों इतनी मुखालफत हो रही है. और अगर मुखालफत सही हो रही है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए.